नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने संगीत से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं तो बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे तो इस प्रश्न से जुड़े हुए थे तो चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं कौन सा प्रश्न है और किसके बारे में पूछा बहुत सारे दोस्तों ने तो ये जो प्रश्न था ये बहुत समय से दोस्त पूछ रहे थे कि सर हमने हारमोनियम नया लेना है तो कौन सा हारमोनियम लें जब हम मार्केट में जाते हैं या किसी शॉप पर जाते हैं तो हम हमें वो बहुत तरह के हारमोनियम दिखाते हैं तो ऐसा कौन सा हारमोनियम लें जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है तो कहाँ से लें और कैसा लें और किस लकड़ी का बना होना चाहिए तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में थे तो चलिए आज बात करते हैं डिटेल में तो सबसे पहले तो मान लीजिए आपने एक हारमोनियम लेना है और आपने किस पर्पस के लिए लेना है तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए लेना है तो मैं वो आपको वैसे वैसे बताऊंगा तो देखिए मार्केट में आपको बहुत तरह के हारमोनियम मिल जाएंगे और बहुत कॉस्टली भी मिल जाएंगे बहुत सस्ते भी मिल जाएंगे बहुत महंगे भी होंगे तो सबसे पहले तो देखिए आपको जो हारमोनियम की रेंज है वो चार हज़ार या पाँच हज़ार से शुरू हो जाती है और आपको फिर यानी कि जो उसका सबसे ऊंचा प्राइस है यानी कि सबसे ऊपर है वो तो आप पूछिए मत आपको एक एक लाख दो लाख तीन लाख यहाँ तक भी हारमोनियम मिल जाएंगे तो वो जैसा आप बनवाना चाहें वैसा आपको हारमोनियम बनाने वाले दे देंगे बनाकर पर आपको पता कैसे चले कि मैं कौन सा हारमोनियम लूँ तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपने किस पर्पज़ के लिए मान लीजिए आपने किसी भजन के साथ हारमोनियम बजाना है तो भजन के साथ आप अलग अलग तरह के हारमोनियम मिल जाते हैं तो जिसमें बास मेल हो जाता है सिंगल बास मेल होता है जैसे ये हारमोनियम है सिंगल बास मेल है तो आ, उसमें ही आपको कपलर मिल जाएगा फिर खड़ी कंगी वाला वाला मिल जाएगा फिर फोर स्केल वाला मिल जाएगा और फिर ऐसे ही जैसे और बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी तो अगर तो आपने शुरुआत की है मान लीजिए आपने गाना शुरू किया है सीखना शुरू किया है तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ लेते हैं कि सर गाने के लिए जैसे हमने शुरुआत की है तो रियाज के लिए सबसे अच्छा हारमोनियम कौन सा है तो देखिए आप चाहे गज़ल गाइए चाहे क्लासिकल गाइए चाहे आप शास्त्रीय संगीत में कुछ राग गाना सीख रहे हैं या कोई भी आप गाना सीख रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो बेसिक हारमोनियम होता है वो बास मेल हारमोनियम होता है तो बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि क्या सर मेल स्केल का हारमोनियम ले लें मेल वाला हारमोनियम ले लें या फीमेल वाला ले लें तो देखिए मेरे हिसाब से मैंने आज तक जितने भी साल सीखा तो मुझे सबसे बेस्ट जो लगा वो है बास मेल हारमोनियम जिस पर मेल भी रियाज कर सकते हैं बड़ी आसानी से और फीमेल भी क्यों क्योंकि इसका नाम बासमेल है इसमें मेल भी है और फीमेल की भी पत्ती लगी होती है तो बस आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आप बासमेल हारमोनियम ले सकते हैं और उसके साथ रियाज कर सकते हैं तो आगे बाद में कर रहा हूँ तो बहुत सारे दोस्तों ने यह पूछा कि सर क्या ये हारमोनियम जैसे हमने हारमोनियम लिया ये बासमेल हारमोनियम लिया हमने लिया मान लीजिए हमने दस हज़ार का हारमोनियम ले लिया बासमेल तो क्या वो जल्दी ख़राब तो नहीं होगा तो देखिए अगर आप बढ़िया क्वालिटी का हारमोनीम लेंगे तो वो कभी ख़राब नहीं होगा और अगर बढ़िया क्वालिटी भी है तो अब एक बात ध्यान में आपने हमेशा रखनी है कि जब भी आप हरियाज कर लें तो उसके बाद हारमोनियम को अच्छे ढंग से ढक कर रखें या बैग उसके लिए अच्छा बैग बनवा लें उसमें उसको कवर करके रखें तो आपका हारमोनियम जल्दी ख़राब नहीं होगा चाहे वो अच्छी क्वालिटी का है चाहे मीडियम क्वालिटी का वो कभी ख़राब नहीं होगा बस प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप रियाज़ करते हैं धीरे धीरे जो इसकी स्वर पत्तियाँ हैं वो थोड़ी सी बेसुरी हो सकती हैं तो आपको स्वर करवाना पड़ता है बार बार जितना आप रियाज़ करते हैं मान लीजिए आप हर रोज़ रियाज़ करते हैं तो कम से कम साल के बाद तो छः महीने या साल के बाद थोड़े बहुत सुर बेसुरा हो जाता है हारमोनियम तो वो आप स्वर करवा लें तो वो सबसे अच्छा हो जाएगा फिर वैसा ही वो अच्छा बजने लगेगा जैसा आपने नया लिया था तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हाँ ये हो सकता है आपने अच्छी क्वालिटी का हारमोनियम नहीं लिया है बासमेल मान लीजिए आपने चार हज़ार या पाँच हज़ार का ले लिया तो उसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अगर गर्मियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पंखा ज़्यादा लगाना पड़ता है और सर्दियों में भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि पंखा ज़्यादा करना पड़ रहा है या फिर कहीं से आवाज़ आ रही है सन सन की आवाज़ आ रही है तो ये कारण होता है कि आप जो लो क्वालिटी का हारमोनियम है वो ना लें क्योंकि अंदर कंघी फट जाती है या फिर कुछ स्वर एक दूसरे स्वर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्वर लगे हैं अंदर पत्तियाँ लगी हैं वो हिल जाती हैं अपनी जगह से यानी कि लकड़ी फट जाती है और आगे पीछे हो जाती हैं तो स्वर बजने लगते हैं अपने आप और फिर समझ नहीं आता कि कौन सी प्रॉब्लम है हारमोनियम में तो बस ये ध्यान में रखना है कि अच्छी क्वालिटी का हारमोनियम लें तो आगे चलते हैं तो एक दोस्त ने पूछा था कि सर मान लीजिए मैं हारमोनियम लेना चाहता हूँ तो मैं मेरा सफ़र बहुत होता है जैसे मैं कहीं लेकर जाता हूँ तो बढ़िया है सफ़र में अगर आप जाना चाहते हैं सफ़र में लेकर जाना चाहते हैं तो वो सूट केस वाला कपलर हारमोनीम आप ले लें वो तो सबसे बेस्ट है वो आपको देखिए सूट केस की तरह वो बन जाता है जैसे मान लीजिए कोई आ, सूट केस है वैसे हैंडल लगा होता है उसे उसको पकड़िए बंद कीजिए और कहीं भी लेकर जा सकते हैं बड़ी आसानी से तो आजकल ऐसे हारमोनीम भी आ गए हैं जो बहुत हल्के हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं तो वो आप हारमोनियम ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बस उनका ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं जोर से उनको कहीं पर टक्कर ना लगे कि नहीं तो फिर स्वर हिल जाते हैं तो बस ये ध्यान में रखना होता है तो आप ले सकते हैं तो एक दोस्त ने ये भी पूछा था कि सर जैसे मैंने रियाज़ शुरू किया है रागों का रियाज़ मैं कर रहा हूँ और साथ में हारमोनियम के साथ भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ जैसे मुझे कुछ अलंकार दिए हैं मैं हारमोनियम के साथ उनका रियाज़ करता हूँ तो क्या वो अच्छा है तो देखिए सबसे बेस्ट है आप अलंकारों का शुद्ध जैसे स्वर हैं या फिर आ, कोमल स्वर हैं अगर आपने स्पाट रियाज करना है मान लीजिए सीधे शुद्ध स्वरों का रियाज़ करना है यानी कि सीधे स्वर लगाने हैं तो फिर तो हारमोनियम आपके लिए बेस्ट है और अगर आप रागों का रियाज़ कर रहे हैं मान लीजिए किसी राग का आरोह अवरोह कर रहे हैं तो बहुत सारे अब मेरे दोस्त कहेंगे कि ये तो सर बिल्कुल गलत बोल रहे हैं तो देखिए रागों में शास्त्रीय संगीत में हारमोनियम को वर्जित माना गया कि यानी कि हारमोनियम यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत सारे राग ऐसे हैं जो जिनमें कुछ स्वर ना थोड़े से नीचे की तरफ होते हैं या ऊपर की तरफ होते हैं यानी कि उनकी श्रुतियाँ श्रुतियों के हिसाब से वो एडजस्ट होते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है कि हम रियाज तो कर लेते हैं पर फिर क्या प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा राग है उसके ऊपर पकड़ अच्छी नहीं बन पाती क्योंकि हम हारमोनियम के साथ उसका अभ्यास करते हैं और उस श्रुतियों में यानी कि जो सही स्वर लगाना है और सही स्वर लगाव में जो स्वर लगेगा उसमें प्रॉब्लम आएगी वो हम हारमोनियम वाला यूज़ करेंगे स्पाट क्योंकि इसमें जितने भी स्वर होते हैं वो स्पाट होते हैं एक ही स्केल पर बोलेंगे तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम आती है अलंकारों का आप शुद्ध स्वरों का रियाज अच्छे ढंग से इस पर कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि कौन सा हारमोनियम ले तो देखिए आप रियाज़ के लिए जैसे मान लीजिए कुछ भी रियाज करना है तो आप हारमोनियम बासमेल हारमोनियम ले लें मान लीजिए आपका बासमेहल हारमोनियम आप नहीं लेना चाहते कुछ अच्छा लेना चाहते हैं तो आप कपलर हारमोनियम ले लें क्योंकि बासमेल आपका सात हज़ार या आठ हज़ार से बढ़िया हारमोनीय शुरू हो जाता है और जो कपलर है वो बारह हज़ार तेरह हज़ार से बढ़िया हारमोनीय शुरू हो जाता है तो आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं तो बस ये आपने ध्यान में रखना है और इससे जुड़ी हुई नेक्स्ट वीडियो जो आप ज़रूर देखना उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कौन सी लकड़ी है जो बेस्ट है हारमोनीय के लिए और अंदर रीढ़ की क्या प्रॉब्लम आती हैं क्या समस्याएँ हैं बहुत सारी बातें उसमें मैं बताऊँगा वो भी आप वीडियो ज़रूर देखें तो आज के लिए दोस्तों इतना ही अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइको का बटन उसे जरूर दबा लें ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप संगीत के परिवार से आगे बढ़ते रहिए तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद